जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इवनिंग वॉक के साथ मैंने कहा आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस मैं अपना शेयर कर लूं। दोस्तों पाकिस्तान की जो सियासत है, वैसे तो पिछले 75 ईयर्स से इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट में मिलिट्री लीड जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करती है, वैसे इसमें ब्यूरोक्रेसी और अदलिया भी इसमें शामिल की जाती है, इनकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग रही है। और पाकिस्तान में ये इस्टेब्लिशमेंट की जो स्ट्रांग ग्रिप है, इसी का एक जो शाखसाना हमें 1971 का जो सानिया है उसमें भी नज़र आता है। तो पाकिस्तान के जो अब मौजूदा हालात हैं पोस्ट इमरान खान गवर्नमेंट जो है वो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में मिस्टीरियसली जो ऑन दी फेस ऑफ इट तो एक सिविल डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नज़र आता है, लेकिन जो चीज़ें हैं मूव कर रही हैं वो किसी के भी हाथ में नज़र नहीं आ रही। जैसे अभी हम पंजाब की हम सियासत देख लें कि शहबाज गिल का जो वाक्या है, इसमें बहुत सारे एनालिटिक हैदर वैजी साहब है वो तो खुल के कहते हैं कि ये फ़ौज और ISI का करा धरा है सारा, और लेकिन इसमें जो अलामत यूँ हैं कि जो डियाला जेल है पंजाब गवर्नमेंट के ज़ेर कंट्रोल है, लेकिन PTI के जो रहनुमा हैं उनको मिलने नहीं दिया जाता। यानी कि जेल के अंदर एक इमरान खान ने ख़ुद कहा कि शहबाज गिल पर पंजाब की जेल के अंदर एक तशद्दुद हुआ उनको बरहना करके मुबैना तौर पर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये निशानियां हैं कि जो शॉट्स हैं वो कोई और कॉल कर रहा है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मीडिया के ऊपर जिस किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है, ARY न्यूज़ बंद हो चुका है और इसके बाद एक और चैनल मुबैना तौर पे बोल के बारे में भी खबर आ रही है, और इंडिविजुअल सहाफ़ियों का तो हमें पता है कि इंतहाई ब्रूटेलिटी जो रवा रखी जा रही है, इमरान रियाज खान को निशाने इबरत बनाया गया, हमने देखा आमिर साबिर शाकिर जा चुके हैं मुल्क से बाहर, काशिफ अब्बासी जा चुके हैं, खाबर घुमन भी मुकदमात भुगत रहे हैं। तो अयाज अमीर जैसे बुजुर्ग सियासतदान को जो एक्स मिलिट्री मैन हैं और इंतहाई संजीदा, उनको नहीं बख्शा गया, उनको भी हल्का फुल्का तजिया करने के ऊपर उनकी अच्छी खासी मरम्मत की गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये दलील दे रही हैं कि इस वक्त जितनी ग्रिप इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान के मामलात पे है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 1971 में हमारी उस वक्त की मिलिट्री एलीट की जो ग्रिप थी वो। अब आप देखिए कि उसमें एक हैरत अंगेज ममासलत एक और भी मिलती है हमें। उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान, जिसको हम बावजूद उसको गद्दार का लकब हम दे लें, हम बहुत सारे उसको हमारा, क्योंकि मीडिया उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में ही था, तो ऑब्वियसली जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी मीडिया उस वक्त का था वो उन्होंने वही पोर्ट्रे किया। लेकिन ये कि शेख मुजीबुर रहमान जो था उसको जो अवामी सपोर्ट थी वो जिस तरह आज हम देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह उस दौर में भी उनको बंगाली अवाम की हमायत हासिल थी, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया तो था ही नहीं, ना डिजिटल मीडिया था, कोई ज़राए नहीं थे। लेकिन आज के दौर में हम अपनी आंखों से ये देख रहे हैं कि अवाम जिस तरह इमरान खान की कॉल पर बाहर निकलती है और जिस तरह रिकॉर्ड साज जलसे होते हैं, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस दौर में शेख मुजीबुर रहमान की कॉल के ऊपर भी बंगाली अवाम ऐसे ही निकलते होंगे। अब एक और इसमें ममासलत हालात में, मैं दोनों अदवार का एक तकाबली ज़्यादा लेता हूं, तो आप यकीन कीजिए कि मैं परेशान हो जाता हूं, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी हैरत अंगेज़ ममासलत है। अब हुआ ये कि शेख मुजीबुर रहमान ने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की बात मानने से बिल्कुल इसी तरह इनकार किया जिस तरह इमरान खान इस वक्त जो हमारी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ बात करने को तैयार नज़र नहीं आते। इमरान खान को हर किस्म की लालच दी गई, हर किस्म का उनको पैगाम भिजवाया गया और उनको कहा गया कि आप हमसे रब्ता करें, हम आपको अकोमोडेट करते हैं, लेकिन बावजूद इमरान खान ने साफ जवाब दे दिया कि जी मैं तो मेरे लिए ये सोचना भी पॉसिबल नहीं है। तो अब आप देखिए उस दौर में जितनी भी अपोजिशन थी वो सारी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे जमा थी, और भुट्टो का वो बयान कि जो गया उस तरफ मैं टांगे तोड़ दूंगा, हालांकि क्लियर मैंडेट जो है वो मिल चुका था शेख मुजीब को, लेकिन ये है कि वो उसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चूँकि उसको नहीं देना चाह रही थी जो इक्तदार है, तो अपने जो स्टूजेस हैं उनके ज़रिए बिल्कुल उसी तरह हरास किया गया उसको। और इसका जो नतीजा, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ दोस्तों, लेकिन ये मैं आपको थोड़ी सी बात की, अब आप जो खुद समझदार हैं, आजकल पढ़े लिखा दौर है, हिस्ट्री को भी जाके देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल वही कहानी हमें रिपीट होती हुई नज़र आ रही है कि मुल्क की तमाम वो जमातें जो कि इस्टेब्लिशमेंट की परवरदा हैं, उनके पेरोल पे हैं या इस्टेब्लिशमेंट के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, वो इकट्ठी हो चुकी हैं, और एक शख्स तन्हे तनहा
जिसको पूरा अवामी एतमाद हासिल है, उसने डेमोन्स्ट्रेट भी किया है मैसिवली, वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की किसी बात के ऊपर कान धरने को तैयार नहीं है। तो जिस तरह शेख मुजीबुर रहमान को निशान इबरत बनाने के लिए मुल्क की एक हिस्से की कुर्बानी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने दी, मुझे बहुत ही दुख और अफसोस के साथ दोस्तों कहना पड़ता है कि खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, आज फिर ऐसे ही हालात और वाकियात नज़र आ रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि जो बाकी मानदा मुल्क बच गया है उसको एक अवामी ताकत का नुमाइंदा उसको थ्रेटन कर रहा है। तो ये डू एंड डाई की गेम है उनके लिए कि अगर वो इस बार अपनी जो इक्तदार है वो अवामी नुमाइंदों के हकीकी आज़ादी के हवाले कर देते हैं तो फिर जिस तरह जर्मनी में, बरतानिया में आप देख लें और जिस तरह अमेरिका में किसी को पता भी नहीं होता कि यहाँ पे आर्मी चीफ़ कौन है, एयर चीफ़ कौन है, नेवी चीफ़ कौन है, वो आते हैं जाते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही जो 22वें ग्रेड का 23वें ग्रेड का अफसर जो है वो नॉर्मल उसकी तरह वो बिहेव होता है और इसी तरह उनको लिमिट में रह के काम करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि वो खसूसी सियारा ले के, जैसे अभी जनरल कमर जावेद बाजवा अपने दौरा लंदन में, सुनने में आया है कि फॉरेन ऑफिस के पास किसी किस्म की कोई इनविटेशन मौजूद नहीं है ऑन दी रिकॉर्ड, और जो तियारा एयरफोर्स का है वो लेके कुछ अपने एंटूराज के साथ वो खुद ही वहाँ पहुँचे और तकरीब में उन्होंने शिरकत की, और उसके बाद अभी तक उनका जो स्टे है वो होना तो ये चाहिए था कि वो तकरीब में नुमाइंदगी करते पाकिस्तान की और फिर वापस आ जाते, लेकिन ये दौरा लंबे से लंबा होता चला जा रहा है और अब सुनने में आया है कि कोई 18 अगस्त के बाद वापसी उनकी होगी। तो दिस इज़ ऑल ऑन द टैक्स पेयर्स मनी, दिस इंडिकेट द पावर एंड द अथॉरिटी। तो अब यहाँ पे तो किसी के पास कोई काउंसलर का ओहदा आ जाए तो वो छोड़ने को तैयार नहीं होता। तो गुजा ये कि आप मुल्क की जो ग्रिप है वो आपके पास, आप स्याह सफ़ेद के मालिक हैं और आप ये वॉलंटरीली आप कहें नहीं यार मैं ये अपनी जो पावर है मैं सरेंडर करता हूँ। तो इसमें अब जो सोचने वाली पहलू की बात ये है कि अवाम का इसमें क्या रोल है, क्या अवाम जो है बांग्लादेशी बंगाली अवाम की तरह इमरान खान के पीछे खड़ी रहेंगी, या जिस किस्म की धौंस धांधली धमकी कि ये सियासत हो रही है, डराया धमकाया जा रहा है, अवाम जो है वो इमरान खान का साथ छोड़ देगी और इनको खुल खेलने का मौका मिलेगा। अभी आने वाले दोस्तों जो 3 हफ्ते जो हैं, आने वाले 3 से 4 हफ्ते वो फैसला कुन हैसियत इख्तियार कर गए हैं कि पाकिस्तान के मुकद्दर का जो फैसला है उसमें अवाम की जो ताकत है वो अगर अवाम खड़े रहे अपनी जगह पे दोस्तों तो फिर 50-50 चांस, मैं ये कहूँगा 50-50 चांस ये है कि हम हकीकी आज़ादी की तरफ बढ़ पाएंगे। नॉर्मली अब मैं आपको मायूस नहीं करना चाह रहा, लेकिन इस वक्त मुल्क की जितनी भी मुक्तदर कुवतें हैं, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, और वो सब फौज के साथ शीरो शकर हैं, वो उनकी तरफ देख रही हैं और इमरान खान के अपनी सफ़ों में, मैं ये बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ लेकिन ये सच है जो कौम के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, कि उनकी अपनी सफ़ों में ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो किसी भी वक्त उनकी पीठ में खंजर घोंप सकती हैं। ये पहले भी हो चुका है तारीख़ में, जो हमारी इस्लामी तारीख है उसमें तो हमें ये जो गद्दारी वाला फैक्टर है वो तो हमें बहुत मिलता है, तो ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इमरान खान को बहुत मुहतात रहना होगा, अवाम को अलर्ट रहना होगा दोस्तों, और इसमें कुर्बानी जो है वो अवाम को ही देनी पड़ेगी, और अवाम ने अगर हकीकी आज़ादी इस बार हासिल कर ली तो एक नए सुनहरे दौर का आगाज़ इंशाल्लाह हम देखेंगे। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया, चैनल से जुड़े रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके साथ हम ऐसी अच्छी अच्छी तबसरे बातें शेयर करते रहें, और आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।